एपिसोड के स्टार्ट में कोबेनी सोच रही होती है कि वह क्या करे, हाकुया से माफ़ी मांगे या उसे थैंक्स बोले उसकी जान बचाने के लिए। और तभी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है, काफ़ी लेट हो गया है। और तभी यह चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में बेनियो माशिरो को बताती है कि कोबेनी बीमार है, उसकी बॉडी वीक है तो वो होते रहती है बीमार, शायद हाकुया ने उसकी जान बचाई वो वाली बात वो झेल नहीं पाई। ये सुन के माशिरो चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या किया? हाकुया ने कहा था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोबेनी को कुछ याद न रहे तो, और तुमने अभी तक वेट क्यों करा बताने का? बेनियो बोलती है, मैं बस उसे बताना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था ये सही रहेगा अगर वो भूल जाए सब, क्योंकि उस दिन मुझे ग्रैंडपा के साथ जाना था लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहती थी तो मैंने कोबेनी को उन्हें साथ ले जाने को कहा, सब मेरी गलती है, इसलिए मैं कोबेनी को नहीं बताना चाहती थी। तभी कोबेनी आ जाती है और बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं सिस, बल्कि किसी की नहीं। बेनियो बोलने लगती है, सॉरी कोबेनी, मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, मुझे मारो तुम। और कोबेनी यहाँ फिर से चक्कर खा के गिर जाती है। और अब ये लेटे हुई होती है और यहाँ अब ये हाकुया को बता देती है कि कोबेनी को सब पता चल गया है और खाना बेनियो ने बनाया होता है जो कि बहुत ही घटिया होता है। माशिरो बोलती है, क्या मेज़ा खाने नहीं बना सकती खाना? बेनियो बोलती है, मॉम काफ़ी बिजी है तो नहीं बना सकती और आज रात घर नहीं आएगी वो कुछ काम की वजह से। और हाकुया थोड़ा सैड सा होता है अब कोबेनी को लेके। बेनियो बोल रही होती है, मैं अपनी छोटी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बड़ी बहन होने के नाते उसका ख्याल रखना चाहती थी लेकिन मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था, मैं काफ़ी लापरवाह हो गई थी, सब मेरी गलती है। और ये सब ये नादेशिको को बता रही होती है। ये बोलती है, तो तुमने उसे सब बता दिया, मुझे लगता है कि कोबेनी तुम्हें गलत नहीं मानती और तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है तुम्हारा प्यार तुम्हारे सिस के लिए कुछ ज़्यादा ही है। और दूसरी तरफ कोबेनी सोच रही होती है कि अब मैं हाकुया को फेस कैसे करूँगी, और इसे याद आता है पास्ट का कुछ सीन और ये बोलती है, मेरे साथ एक वॉर्म और फ्लफी चीज़ थी। अब अगले दिन भी कोबेनी की तबीयत ठीक नहीं होती। बेनियो बोलती है, आज भी वो स्कूल नहीं आएगी। हाकुया बोलता है, मैं यहीं रहूँगा उसके साथ। बेनियो लेकिन मना कर देती है और कहती है, दो एंगेज लोगों को एक साथ छोड़ना और भी ज़्यादा रिस्की है। माशिरो बोलती है, और मेरा क्या, ये और ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए अकेले स्कूल जाना बेनियो के साथ। हाकुया बोलता है, मेरा और कोबेनी का अकेले रहने में क्या दिक्कत है? बेनियो बोलती है, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी, उसे प्योर रहना होगा जब तक शादी नहीं हो जाती उसकी। और काफ़ी डर जाती है हाकुया का रिएक्शन देख के। माशिरो बोलती है, क्या हुआ? बेनियो बोलती है, कुछ नहीं, हम तो बस कैबेज की बात कर रहे हैं। माशिरो बोलती है, अच्छा, मैंने सुना था कि वो पेट दर्द के लिए बढ़िया होता है, वेट, कहीं कोबेनी के पेट में दर्द तो नहीं? बेनियो बोलती है, ये इतनी क्यूट कैसे हो सकती है? और फिर कहती है, घर पे मैं रहूँगी, लेकिन कोबेनी इसे डांट के भगा देती है और स्कूल जाने को कहती है, और अब इन सबको स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में माशिरो मायूरो को बताती है इसके बारे में और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि उसकी बॉडी इतनी वीक है। मायूरा बोलती है, उसके साथ ऐसा सालों से हो रहा है इसलिए वो फील्ड ट्रिप वगैरह में भी नहीं आ पाती हमारे साथ। तभी माशिरो के पेट से आवाज़ आती है। मायूरा बोलती है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करा? माशिरो बोलती है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। और मायूरा इसे खाने को देती है फिर और पूछती है, क्या हाकुया कोबेनी के एबसेंट होने की वजह से डिप्रेस्ड है? नेक्स्ट सीन में कोबेनी बोल रही होती है, मैं पसीने में भीग गई हूँ, मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं खड़े नहीं होना चाहती। और तभी माशिरो आ जाती है और बोलती है, मैं और हाकुया घर आ गए हैं। और फिर कहती है, आओ मैं तुम्हें फोंस दूँ। और फिर इसे फोंसने लगती है। कोबेनी कहती है, क्या चोट का निशान दिख रहा है तुम्हें? मैं इसके बारे में भूल ही गई हूँ, मेरी यह तब लगी थी जब हाकुया ने मुझे बचाया था, राइट? माशिरो बोलती है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं वो? कोबेनी कहती है, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, और एक महीने तक तो मैं होश में ही नहीं थी। क्या हाकुया के साथ भी ऐसा हुआ था? माशिरो बोलती है, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे पूरी बात बताई नहीं कभी। कोबेनी बोलती है, क्या इसलिए सिस्टर मुझे लेके इतना प्रोटेक्टिव है? माशिरो बोलती है, वो बस परवर्ट है। कोबेनी बोलती है, सिस्टर कहाँ है? माशिरो बोलती है, उसे कुछ स्टूडेंट काउंसिल का काम था, उसने टेक्स्ट करने को कहा था। कोबेनी देखती है अपना मैसेजेस और यहाँ पे 85 मैसेजेस होते हैं। माशिरो बोलती है,
वो हमेशा की तरह एक्ट नहीं कर रही थी तुम्हारे बिना। मुझे काफ़ी राहत मिली इससे। कोबेनी बोलती है, मैं थोड़ा सोऊंगी अब। माशिरो फिर जाने लगती है और यहाँ हाकुया खड़ा होता है। इसे देख के कोबेनी बोलती है, तुमने मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश की बार बार, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया। एक डॉग, एक बड़ा डॉग। माशिरो बोलती है, ये नींद में बोल रही है। अगले दिन कोबेनी की हालत थोड़ी बेटर हो जाती है और ये नीचे होती है, बेनियोस की पिक क्लिक करने लगती है और बोलती है, तुम क्यूट लग रही हो। तभी माशिरो और हाकुया आ जाते हैं। हाकुया को देख के कोबेनी को समझ नहीं आता कि क्या करे वो, और ये रोने ही लगती है। और ये देख के हाकुया तेज़ी में यहाँ से भाग जाता है और ज़ोर से आवाज़ आती है। माशिरो बोलती है, उसकी पिंकी फिंगर टकराई, वो गिरा और फिर अम्ब्रेला स्टैंड से टकराया और बाहर चले गया। बेनियो बोलती है, जिस तरीके से भागा क्या वो अजीब नहीं था। माशिरो बोलती है, सब हमारे घर पे ऐसे ही हैं, पहाड़ों में रहने से हमारी लोअर बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बेनियो बोलती है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे था। माशिरो बोलती है, शायद तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो रही है बेनियो। और कोबेनी हाकुया के पीछे भाग जाती है और बोल रही होती है, फिर से मेरे से गलती हो गई, मैंने उसे हर्ट कर दिया। और हाकुया यहाँ बैठ के बोल रहा होता है, वो मुझे हेट करती है, उसे लगता है मैं अनोइंग हूँ इंजरी के बारे में जानने के बाद। तभी कोबेनी आके इससे माफ़ी मांगती है। हाकुया बोलता है, इंजरी के बारे में? कोबेनी कहती है, हाँ। हाकुया बोलता है, सॉरी, अगर मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता तो वो सब नहीं होता। कोबेनी बोलती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें चोट आई। वेल, मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था। और ये दोनों अब बोलने लगते हैं कि गलती मेरी है और बहस करने लगते हैं इस बारे में। तभी कोबेनी कहती है, लेट हो गई हम स्कूल के लिए। और फिर हाकुया को थैंक्स बोलती है इसकी जान बचाने के लिए और बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूं, इसलिए सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। और हाकुया स्माइल करता है। ये देख के कोबेनी बोलती है, चलो स्कूल चलते हैं, शायद सेकेंड पीरियड तक पहुँच जाए। और मन में कहती है, तो ये स्माइल कर सकता है, ये पहली बार था जब मैंने इसे स्माइल करते देखा। और तभी माशिरो आ जाती है और बोलती है, फर्स्ट पीरियड की चिंता मत करो, मैंने कुछ जुगाड़ लगा के उसे फ्री पीरियड में बदल दिया है। कोबेनी बोलती है, जुगाड़ लगाया, इसका क्या मतलब? माशिरो बोलती है, नहीं कुछ नहीं। और अब जाते हुए कोबेनी बोल रही होती है, ये तो कहना पड़ेगा तुम बहुत तेज़ भागते हो हाकुया। माशिरो कहती है, हाँ, ये माउंटेन्स और वैलीज से होते हुए इस टाउन में आया। कोबेनी बोलती है, क्या तुम ट्रेन से नहीं आए? माशिरो बोलती है, हम आए थे। अब स्कूल में मायूरा पूछती है, क्या तुम ठीक हो कोबेनी? कोबेनी बोलती है, हाँ। मायूरा बोलती है, तुम्हारे गाल अभी भी थोड़े लाल हैं, क्या तुम सच में ठीक हो? कोबेनी कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेनियो बोल रही होती है, क्या कुछ हुआ है? और गुस्से में होते कोबेनी का ऐसा बिहेवियर देख के हाकुया को लेके। अब मायूरा को कोबेनी बताती है कि हाकुया ने इसकी जान बचाई थी। मायूरा बोलती है, इसका मतलब तुम दोनों सोलमेट्स हुए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कोबेनी बोलती है, मैंने सोचा है कि मुझे उसे थोड़ा और जानना होगा, लेकिन पता नहीं कैसे। मायूरा बोलते है, मैं पूछ के आती हूँ। और हाकुया के पास जाके पूछती है, तुम्हें क्या पसंद है हाकुया? हाकुया बोलता है, कोबेनी। ये सुन के कोबेनी का चेहरा लाल हो जाता है। कोबेनी कहती है, एकदम से ऐसा मत बोलो। हाकुया कहता है, इसी ने पूछा मेरे से। मायूरा कहती है, मैं इसके एक्सप्रेशंस में डिफरेंस नहीं बता सकती। माशिरो बोलती है, ये पता करना मुश्किल है, मुझे भी 80% समझ नहीं आता, लेकिन मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने इसके एक्सप्रेशंस पढ़ लिए, तुम दोनों क्लोज आते जा रहे हो। और कोबेनी और ज़्यादा शर्माने लगती है। मायूरा अब बोलती है, मैं हाकुया को बस खोया हुआ देखती हूँ हमेशा। कोबेनी बोलती है, अगर मुझे ये फीलिंग डिस्क्राइब करनी हो तो ये ऐसी है जैसे एक डॉग को देखना जो बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हो लेकिन फिर डिप्रेस्ड हो गया घर पे रहने की वजह से। मायूरा कहती है, मुझे समझ नहीं आया। माशिरो बोलती है, हाकुया तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मायूरा बोलती है, क्या इसलिए क्योंकि वो खुद को कोबेनी की चोट का जिम्मेदार समझता है? माशिरो बोलती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती फ़िलहाल, लेकिन हम दूर पहाड़ों में बड़े हुए, कोबेनी पहली पर्सन थी जो हाकुया की एज की थी जिससे वो मिला, वो तुमसे प्यार करता है, पता नहीं मैं क्या करती अगर हाकुया के पास तुम नहीं होती तो, अगर इंगेजमेंट टूट गई तो हाकुया हमेशा के लिए सिंगल हो जाएगा और अकेले ही मर जाएगा।
कोबेनी बोलते शांत हो जाओ, और दूसरी तरफ बेनियो हाकुया की स्पीड से हैरान होती है। तभी नादेशी को आके बोलती है, तुम्हें कोबेनी के मैटर में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वो बच्ची नहीं रही, तो अगर ऐसी करती रही तो वो तुम्हें हेट करने लगेगी। बेनियो बोलती है, मैं भी एक लड़की हूँ और कोबेनी इस वजह से मुझे हेट नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में घर पर कोबेनी खाना बनाते हुए बेनियो से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि माशिरो और हाकुया का होम टाउन कैसा है? मैंने सुना वो काफ़ी दूर है पहाड़ों में। बेनियो बोलती है, मुझे भी नहीं पता ज़्यादा, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम। अब माशिरो बोलती है हाकुया से कि उसे इंजरी के बारे में पता चल गया। हाकुया बोलता है, मिसुमी ने फैमिली के बारे में कब बताऊँ उसे मैं? माशिरो बोलती है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा क्लोज आना होगा, मुझे नहीं लगता उसे समझ आएगा, हम वो नहीं जो वो समझती हैं। तभी एक एरो आता है और हाकुया इसे पकड़ लेता है। इसमें इनके घर से लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, हम किसी को भेजेंगे जल्द देखने के लिए कि सब कैसा चल रहा है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।